ओम बिरला ने दोबारा से लोकसभा स्पीकर बनते ही सदन में इमरजेंसी का जिक्र कर दिया। इसे लेकर सदन में काफी ज्यादा हंगामा खड़ा हो गया। ओम बिरला ने कहा कि सदन इमरजेंसी की कड़ी निंदा करता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी लगाई थी, मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और लोगों के अधिकारों को छीना। स्पीकर के इस बयान के बाद काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर समेत सत्ता पक्ष के नेताओं ने इमरजेंसी को लेकर 2 मिनट का मौन रखा, लेकिन विपक्ष की नारेबाजी जारी रही। फिलहाल लोकसभा को गुरुवार ने 27 जून तक स्थगित कर दिया गया है। वहीं ओम बिरला ने स्पीकर चुने जाने पर कहा कि मैं सदन के स्पीकर के तौर पर फिर से काम करने का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए सभी का धन्यवाद। इसी के साथ क्या कुछ कह रहे हैं ओम बिरला, आइए आपको सुनाते हैं। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जोड़ विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।